समुद्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार लगातार भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रही है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना में आधुनिक हथियारों, मिसाइल और हेलीकॉप्टर के अलावा बड़े युद्ध पोतों को शामिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना INS विक्रांत की कमीशनिंग के बाद दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला एक और युद्ध पोत शामिल किया गया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए युद्ध पोत तारागिरी में 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स दिए गए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के लिए अनक्लोज हैंगर भी हैं, जिसमें 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर देखे जा सकते हैं। स्वदेशी स्ट्रेल्थ फ्रिगेट तारागिरी पर बराक और ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की जा सकती है। इस पर सरफेस टू एयर में मार करने वाले 32 बराक 8 ER तैनात की जा सकती है। इसके अलावा इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती की जा सकती है। युद्धपोत में एक 76 मिलीमीटर की OTO मेलार नेवल गन के अलावा 2 AK-630M CIWS गन लगाई जाएगी। स्वदेशी स्ट्रीट फ्रिगेट तारागिरी का निर्माण 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था और इसकी आपूर्ति अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद की जा रही है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का कुल मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज नीलगिरी 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।